वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पोना जी। मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह 7:15 बजे और अभी मैं जा रही हूँ आरुख को उसके स्कूल छोड़ने। बाहर बहुत ठंड है इसलिए मैंने जैकेट पहन ली है, ग्लव्स पहनने लगी हूँ और पूरा मुंह सर लपेटने लगी हूँ क्योंकि ठंड बहुत और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि जो शीट मैंने गैलरी में कर रखी है वो भी ऐसे हिल रही है। बहुत ठंड है तो आती हूँ उसको छोड़कर और फिर बनाऊँगी एक पटियाला कप चाय। और मैं अभी इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों सोए हुए हैं। ब्रूनो को नींद नहीं आती, वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, तो मैं आरुख को छोड़ के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ चाय के साथ। गाइज़ मैं अभी आरुख को स्कूल छोड़कर आई हूँ और ये देखिए ग्लव्स भी पहन रखे हैं, मुँह भी पूरा लपेटा हुआ है, इतनी ठंड है बाहर। अगर इतनी मोटी वाली जैकेट मैंने नहीं पहनी होती ना तो कुकड़ बन जाना था मेरा। तो अभी मैं अपना ये स्कार्फ वगैरह उतारती हूँ और बनाती हूँ अदरक वाली पटियाला कप चाय। चलिए गाइस रसोई में चलते हैं और बनाते हैं एक कप बढ़िया वाली चाय। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने मेकअप तो कर नहीं रखा, तो आप लोग अब मुझे ऐसे ही झेलिएगा विदाउट मेकअप। और जस्ट आरुख को छोड़ के आई हूँ और बस मन कर रहा है कि फटाफट चाय बने, तो आइए चाय बनाते हैं। गाइस देखिए चाय पत्ती और चीनी डाल चुकी हूँ मैं और यहाँ पर मैंने एक कप चाय बनाने के लिए इतनी सारी अदरक कूट ली है बहुत अच्छे से चॉपर में। और अभी सारी अदरक जाएगी चाय में। ये देखिए गाइस गर्मा गर्म सुबह सुबह अदरक वाली चाय। चलिए गाइस अभी है चाय टाइम और चाय पी के मैं मारूंगी एक छोटी सी झपकी और फिर उठूंगी 9 बजे। अभी 8 बजने वाले हैं और फिर अपनी बेटी को भेजूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस ये देखिए मैं चाय का कप रखकर आई हूँ किचन में और सोने लगी हूँ और मैं आपको दिखाऊँ ब्रूनो क्या कर रहा है। ये देखिए मेरे बेड पे कंबल में इसने कब्जा कर लिया और ये आराम से कंबल के ऊपर मुंह रख के लेट गया। अब बताओ मैं कैसे लेटूंगी। चलिए इसको अपने साथ चिपकाती हूँ कंबल के अंदर और फिर सोते हैं हम दोनों। वेलकम बैक गाइस, मैं आपसे मिली थी सुबह चाय पीते हुए 8:15 बजे के आसपास। उसके बाद मैं सो गई थोड़ी देर, मतलब 20-25 मिनट मैं सोई, फिर बेटी को भेजा, फिर मैं आके नहीं सोई, मैंने काम वाम निपटा लिया, सफाई बर्तन ये सब कर लिए और नहा धो चुकी हूँ मैं। और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं बेटे को लेने स्कूल, अरब आएगा और अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ है, 1:30 बज गया। मैंने सुबह एक कप चाय पी थी, चाय के साथ 2 बिस्किट खाए थे बस, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं खाया हुआ। तो अब हस्बैंड आएंगे आरुख को लेके तो पता चलेगा कि क्या नाश्ता करना है, क्या खाना है और क्या बनाना है। हे भगवान बाहर से कुछ ले आए, मज़ा आ जाए। तो ब्रूनो आलस के मारे लुढ़क रहा है इधर से उधर और दही दी नहीं खाई, दूध दिया नहीं पिया, रोटी दी नहीं खाई। अब इसके लिए इसके मतलब का कुछ बनाना पड़ेगा ताकि कुछ खा ले। तो आज का रूटीन हमारा शुरू हो चुका है आपके साथ। गाइज मैं विश कर रही थी कि मेरे हस्बैंड बाहर से कुछ नाश्ता ले आए और आपको मेरे मुंह में पानी आता हो पता चल रहा होगा। इसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। चलिए कि वो क्या लाया मैं आपको दिखाती हूँ इतने दिनों बाद, कुलचे छोले। गाइज ये देखिए ये मेरा ब्रंच हो रहा है, एक्चुअली नाश्ता और लंच दोनों इकट्ठा हो गया तो ये ब्रंच हो गया। ये है सैलेड, चटपटे नींबू, तेरा लंच है ना, और ये है कुलचे छोले और ये है मेरी चाय। मैं फटाफट नाश्ता करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। A few moments later, guys मैं अभी जा रही हूँ आरव के साथ थोड़ा बाजार का सामान लेने और आज है डिमांड गाजर के हलवे की, वही 5 मिनट वाला, नहीं 5 मिनट तो नहीं लगते, सच्ची बोलो 15 मिनट लगते हैं। तो 15 मिनट वाला गाजर का हलवा दोबारा बनाना है, हस्बैंड और बेटी दोनों ने ऑर्डर दिए हैं। तो चलिए छील ये देंगे गाजरें, बना मैं लूंगी फटाफट कुकर में। तो मैं जाती हूँ आरव के साथ बाजार और मिलती हूँ आपसे बाजार में। गाइज मैं बाजार से हुआ हूँ और मैं लाई हूँ गाजरें 2 किलो और दूध, खोया, क्योंकि अब ड्राई फ्रूट तो बच्चे डालने नहीं देते तो खोया ही डालेगा। और देखिए साथ में क्या लाई है गाइज, बैंगन, सब्जियाँ मतलब इसमें है दूध, पनीर, खोया, गाजरें और ये है मेरे हस्बैंड के मोस्ट फेवरेट जो उनको पता भी नहीं है, मैं अभी दिखाती हूँ उनका रिएक्शन। गाइज आरवी गाइज तेरे को मैं गाइज बोल रही हूँ, ये तो इतना काला काला क्यों लग रहा है, एक मिनट रुक जा। गाइज ये देखिए आरव खाने बैठ गया अपने पापा के साथ लड्डू। सोना हाई करोगे, सोना सोना हाई कर दो, ये आ गए ब्लॉग में। चलो चलो आओ लड्डू खाते हैं फिर लगता है रसोई में। गाइज अभी है किचन टाइम और इसीलिए बाल बाल सब बांध दिए और आपने देखा ना आज मेरे बाल कि जब मैं सर धो लेती हूँ तो मेरे बाल कैसे झाड़ू जैसे पूरे ऐसे फ्लफी से हो जाते हैं, तो मुझे बड़ी घबराहट होती है। इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ बाल खुले रखना क्योंकि टैंगल्स बहुत पड़ जाते हैं, अड़के पड़ जाती हैं तो बड़ा अनमैनेजेबल हो जाता है। बट कभी कभार अच्छे लगते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुझे अपने नॉटी पसंद है, कंफर्टेबल। अभी गाजर का हलवा कैंसिल कर दिया मैंने, मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं कद्दूकस करके दूंगा तब बनाना, अब कह रहे हैं नहीं तो वैसे ही बना ले, वो भी बहुत टेस्टी था। और अब मैं 10 बजे गाजर का हलवा बनाने नहीं बैठ रही, इसलिए गाजर का हलवा बनेगा कम। अभी मेरा काम बहुत सारा पड़ा है
और बच्चे डांट लगा रहे हैं कि जल्दी काम करके आ जाओ, हम टीवी देखेंगे, अच्छी सी मूवी निकाली है। तो मैं बनाने लगी हूँ बैंगन का भरता, थोड़ा सा चिकन कल का पड़ा है, और ये देखिए रसोई। यहाँ पर गाइस मैंने टमाटर चॉप कर लिए हैं, प्याज चॉप कर लिए हैं, धनिया काट लिया और बैंगन दोनों भून लिए, और बैंगन बहुत अच्छे निकले हैं। और अभी इधर बर्तनों का भी पूरा ढेर पड़ा है, क्योंकि आंटी ने कल आना नहीं तो मुझे अभी करना पड़ेगा, तो काम थोड़ा सा बढ़ गया है। और इधर सरसों का तेल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, इसमें मैं डालूंगी जीरा, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और बाद में बैंगन। गाइस देखिए मैंने जीरा और प्याज डाल दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से ब्राउन करूंगी, फिर डाल दूंगी टमाटर। और ये जो बैंगन है ना, इनके ऐसे छिलके उतारने पड़ेंगे, इसको छिलके उतारने के बाद मैं मैशर में मैश कर लूंगी। और अभी मैं इसका पूरा ब्लॉग नहीं बना पा रही क्योंकि आरव को फ़ोन चाहिए, उसका काम कंप्यूटर का सारा फ़ोन के अंदर है और वो पढ़ने बैठ चुका है। तो अब मैं बैंगन का भरता बनने के बाद आपको दिखाती हूँ। सैमी जला बेटा जला, जल्दी जल्दी जला, हैप्पी एनिवर्सरी सैमी, मम्मी पापा को किस कर, हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, अरे दोनों पास बैठो ना, भैया पास तो आप पता चल जाए, भगवान ने बनने होने हैं। भैया आप गेट काटो, मंदिर में रख देते बंदर बाउल लिया बाबू भी बंदर ला। गाइज मैं आप लोगों को भरता दिखाना ही भूल गई। एक्चुअली हमारे जो ऊपर फ्लोर पे रहते हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, ऊपर भी और नीचे भी बहुत ही अच्छे लोग हैं। आज थी उनकी मैरिज एनिवर्सरी, 11th मैरिज एनिवर्सरी, तो हम गए थे उनसे मिलने, उनको विश करने और केक खाने। सीरियसली, लेकिन देखिए जब कोई बहुत प्यार, इज्जत और रिस्पेक्ट से आपको बुलाए, आपसे प्यार से बात करे, प्यार से रहे और बहुत घुल मिलकर अपनों की तरह रहे तो ज़रूर जाना चाहिए, ये मेरा मानना है, राइट। तो बस मैं भरता बनाते बनाते काम छोड़ के चली गई ऊपर, और बहुत ही अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया, केक वेक खाया, पापड़ भी खाए, गचक भी खाई, बहुत मज़ा आया। देर तक बैठ के गप्पे शप्पे मारते रहे, तो बस अब मैं नीचे आई हूँ और ब्लॉग कर रही हूँ एंड। अब है हमारा डिनर टाइम और हम लगे हैं खाना खाने, तो मैं आपसे मिलूंगी कल अपने नए ब्लॉग में। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।